नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली है। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में आज मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज आपकी जो आंसर की है उसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपका जो लिंक है वो कल जनरेट हो गया था और आज जो है जिस तरीके से लिंक कल जनरेट हुआ था तो ये संभावना थी, बहुत ज़्यादा संभावना थी कि आज जो है आंसर की आपकी आ जाएगी। जब तक ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक की आपकी जो आंसर की है वो नहीं आई है। अब इस चीज़ को स्टैंड ने गलत वे में ले लिया। देखो यहाँ पे क्या है कि हमने पॉसिबिलिटी की बात की थी और उसमें मैंने विद रीजंस आपको सारी चीज़ें बताई थी कि पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज आपकी आंसर की आ जाएगी। अब स्टूडेंट क्या है कि इस चीज़ को गलत वे में ले रहे हैं। देखो जितने भी टीचर हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है जो भी वीडियो बना रहा है, उसमें सभी जो टीचर हैं उनका इंटेंशन यही होता है कि हम स्टूडेंट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। अब प्रेडिक्शंस किया जाता है तो कभी कभी चीज़ें मतलब रॉन्ग भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप टीचर को ही निगेटिव वे में लो, क्योंकि प्रेडिक्शंस हमने किया और जो पॉसिबिलिटी है उनके बेसिस पर मैंने आपको बताया कि हाँ आज आने की उम्मीद है और आज आंसर की आ जाएगी। अब नहीं आई तो चीज़ें होता है, कभी कभी हो जाती चीज़ें गलत, तो अगर इससे किसी बच्चे को कोई हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बाकी आंसर की के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा निगेटिव वे में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सब लोग समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इतने रेप्यूटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी जैसे इंटेंशनली, अगर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हाँ जो पॉसिबिलिटी मुझे लगी उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि हाँ आज संभावना है कि आपकी जो आंसर की है वो आ सकती। बाकी किसी भी टीचर का ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो स्टूडेंट के साथ गलत करे। इंटेंशनली कोई भी जो टीचर है वो गलत नहीं चाहता स्टूडेंट का। हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में। अगर आप वीडियो शूट करके देखो तो आपको खुद पता चलेगा कि एक वीडियो बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर इंटेंशनली किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं चाहता। हम सब लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं और हमारा एटलीस्ट उद्देश्य यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दी जाए और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए। कभी कभी चीज़ें होती हैं, प्रेडिक्शंस गलत हो जाते, तो इसको बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आंसर की जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिंक आपका जनरेट हो चुका है और जब लिंक आपका जनरेट हो जाता है तो उसके 48 आवर्स मैक्सिमम 48 आवर्स लगते हैं आपकी आंसर की आ जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी मंडे तक किसी भी कंडीशन में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो जैसे ही आंसर की आएगी उसके रिगार्डिंग मैं भी आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा। तो बस यही छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे आप तक करनी थी और ताकि, और मैं इस वीडियो को इस वजह से बना रहा हूँ ताकि जो हमारे और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर हो सके, क्योंकि हम आपसे ही हैं, ठीक है। और चीज़ें अगर हो जाती हैं कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।